स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सेल्फ प्रैक्टिस 11 ई. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है? मतलब कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है. आपको उसकी साइड्स दी रहेंगी, ठीक है? तो क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, इन विच ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है हमारे पास. ए सी को हमको 6 सेंटीमीटर लेना है एंड बी सी को 9 सेंटीमीटर लेना है एंड मेजर करने हैं एंगल ए बी सी. तीनों एंगल को मेजर करना है. ओके, तो देखिए आपको ऐसे तीन, पहले आप बना लीजिएगा कि हमको तीन लाइन सेगमेंट बनाने हैं. एक ए बी 7 होना चाहिए, ए सी 6 का होना चाहिए और बी सी जो है वो 9 का होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए तीनों में से जो है वो बड़ी कौन है, 9. तो 9 वाली को आप नीचे लेंगे, स्टार्टिंग में 9 को खींचेंगे. बी सी एक लाइन खींचा, ठीक है आपने. फिर उसके बाद सी पर अपना क्या रखेंगे, सी पर राउंडर रखकर एक कितना का उसको खोलेंगे, स्केल को, स्केल से राउंडर को खोलेंगे. ए सी कितना है, 6 सेंटीमीटर. तो ए सी को 6 सेंटीमीटर खोलकर एक आर्क काटेंगे. ओके, ऐसे ही फिर बी पे रखकर, बी ए जो है वो 7 है तो 7 का खोलकर एक आर्क काटेंगे, ठीक है? फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ ए नाम दे देंगे और ए से सी को ज्वाइन कर देंगे और ए से बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? फिर आप मेजर कर लीजिएगा कि एंगल्स कितने कितने के आए, ठीक है? तो प्रोटेक्टर पे यहाँ रखकर सी पे रख के कर लीजिएगा कितने का बन रहा है एंगल, बी पे रख के कर लीजिएगा, हाँ, और ए पे रख के कर लीजिएगा. तो ए पे 90 बन रहा है, यहाँ से रखेंगे ना पीछे से दिखेगा तो ये 90 का है, ठीक है? तो ऐसे आपको क्या कर लेना है, मेजर कर लेने हैं सारे एंगल्स. फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इसका. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कंस्ट्रक्ट करो, जहाँ पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर लेना है, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर एंड आर पी 5 सेंटीमीटर. तो तीनों पहले आप बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, पी क्यू जो है वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, फिर क्यू को आर को खोलकर क्यू पी कितना लेना है हमको, 5.5 सेंटीमीटर. तो इतना 5.5 सेंटीमीटर का आर को खोलकर एक एक आर्क काटेंगे यहाँ, हाँ. फिर एक राउंडर खोल के पी क्यू आर कितना है, पी आर 5.6 सेंटीमीटर. तो इसको खोल के दूसरा एक आर्क काटेंगे, ठीक है? और इनको पी पॉइंट मिल जाएगा, उसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे. तो ऐसे आपका क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा. ओके, फिर आ रहा है हमारा तीसरा ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन विच एक्स जेड इतनी है, एक्स वाई 6.8 और वाई जे 7.5 सेंटीमीटर. तीनों पहले बनाएंगे, ठीक है? बना लेने के बाद फिर उनको क्या करना है, वैसे ही जो सबसे बड़ी है उसको बेस पे लेना है. फिर एक्स को एक बार एक्स पे राउंडर रखकर एक्स वाई जितने सेंटीमीटर का होगा उतने का एक आर्क काटेंगे, और फिर जेड पे रखकर जितने सेंटीमीटर का वाई होगा, वाई जेड, उतने का एक आर्क काटेंगे. तो एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ दोनों आर्क कट रहे हैं, उसको फिर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो हमारे एक ट्राइंगल बन जाएगा. सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है. ये ट्राइंगल डी ई एफ है, इसमें तीनों साइड दिए हैं, तो ट्राइंगल बना लीजिएगा, ठीक है? फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ में भी यही है, ट्राइंगल एल एम एन को बनाना है, हाँ. एल एन 7 है, एन एम 5.5 है, एल एम 6.4 है. तो आप पहले एल एन लेंगे नीचे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है? 7 सेंटीमीटर है, तो आप पहले इसको लेंगे, फिर एल पे रखकर एक आर्क काटेंगे और एन पे रखकर एक आर्क काटेंगे और उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो आपका क्या बन जाएगा, ट्राइंगल. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 11 ई में क्या करना है, 11 ई कैसे करनी है, ठीक है? फिर आते हैं हम 11 एफ में, सेल्फ प्रैक्टिस 11 एफ. इसमें भी हमको क्या करना है, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है? लेकिन क्या करना है, मेजर द थर्ड साइड. तीसरी साइड हमको गिवन नहीं है. अभी तक हमारे 11 ई के क्वेश्चन में हमको तीनों साइड गिवन थी, है ना? अब यहाँ पे हमको दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है. तो हमको तीसरी साइड को फाइंड भी करना है और क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले कौन सी साइड बड़ी है, ए बी 6 है, ए सी 8 है, ठीक है? तो पहले आप ए सी को ड्रॉ करेंगे नीचे, ए सी को नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जो बड़ी होती है वो मैंने बताया नीचे ड्रॉ होती है, ठीक है? अब क्या करेंगे, ए पर, ठीक है, ए पे अपना प्रोटेक्टर रखकर आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटेक्टर रखेंगे और 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है? तो 50 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनेगा. ओके, फिर एक हजार पे हमको पॉइंट मिल जाएगा. तो सी से क्या रखेंगे, ए सी कितनी है हमको, ओ ए बी कितनी थी हमारी, ए बी 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 ले लेंगे. तो फिर इनको जब हमने वो बनाया प्रोटेक्टर से एंगल बनाया तो हमको पॉइंट तो मिल चुका है, तो यहाँ से हमने सी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है? तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा. फिर तीसरी साइड हमको कौन सी इसमें गिवन नहीं थी,
बीसी गिवन नहीं थी ना, बीसी, तो आप इसको क्या करेंगे, स्केल से नाप लेंगे, जितने की आएगी वहां पे उतना लिख देंगे। ऐसे ही ट्राइंगल, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में यही करना है। ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू और क्यू आर आपको दिया गया है, क्यू आर बड़ी है 6.5, तो आपको उसको पहले नीचे बनाएंगे, ठीक है। फिर क्यू आर का एंगल क्यू जो है वो 40 डिग्री का बना लेंगे, और पी क्यू कितनी है 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, पी आर को मेजर करके यहाँ पे लिख देना है, तो आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो यही आपको सारे क्वेश्चन में यही करना है। ऐसे ही फिर फिफ्थ सिक्स्थ में भी है, आपको साइड्स ले लेना है, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट कर लेना है। फोर्थ वाले में भी ऐसे ही है, साइड ले लेना है और कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरे आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है कि क्या करना है इसमें, ओके। तो आपको 11F तक जो है वो कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।